दोस्तों, वर्ल्ड वार टू ख़त्म होने के बाद कोल्ड वार शुरू हो गई। अमेरिका को ख़तरा था बढ़ते हुए कम्युनिज्म से, और सोवियत यूनियन इसी कम्युनिज्म को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के दरवाजे पर ले आया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वार के सबसे ख़तरनाक अदवार में से एक था। अक्टूबर 1962 में पैदा होने वाले इस बहरान के दौरान 13 दिन तक दुनिया एटमी जंग के दहाने पर खड़ी नज़र आई। मगर ये बहरान दुनिया में जौहरी हथियारों से मुमकिन तबाही के बारे में आगाही का सबब भी बना, और इसके बाद आलमी ताकतों ने एक दूसरे के साथ एटमी हथियारों को महदूद करने से मुतल्लिक बातचीत शुरू कर दी। दोस्तों, ये कोल्ड वार की उन चंद मिसालों में से एक है जहां दो अहम आलमी ताकतें एक दूसरे के साथ बराह रास्त तसादुम की जद में आ गई थी। यानी ऐसे समझें कि ये वो बहरान था जिसने सबको डरा कर अमन की तरफ गामजन किया। मगर इस बहरान के दौरान कौन से अहम लम्हात आए, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, क्यूबा फ्लोरिडा के साहिल से सिर्फ 90 मील दूर एक जजीरा है। सन 1959 तक ये अमर जनरल बटिस्टा के क्यादत में अमेरिका का करीब तरीन इतिहादी था। अमेरिका ने इस जजीरे पर खातिर ख्वाह सरमायाकारी कर रखी थी और बहुत सी अमरीकी कंपनियां यहां काम कर रही थीं। इस जजीरे पर बेशतर कारोबार बैंकों, चीनी और तंबाकू के बागात के साथ साथ अमरीकी एक बड़े बहरी अड्डे के मालिक भी थे। अमरीका क्यूबा में पैदा होने वाली चीनी और तंबाकू का सबसे बड़ा सारिफ था। सन 1959 तक फिडल कास्त्रो की क्यादत में इस जजीरे पर एक इनकलाब बरपा हुआ और बटिस्टा का तख्ता उलट दिया गया। इख्तदार संभालने के बाद कास्त्रो की पहली चाल ये थी कि वो अपनी हुकूमत के लिए हमायत हासिल करने की गर्ज से अमेरिका जाए, लेकिन उस वक्त के अमरीकी सदर आइजनहावर ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर के इस इनकार के बाद न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा के दफ्तर में कास्त्रो की सोवियत यूनियन के नुमाइंदों से बातचीत हुई, जिन्होंने कास्त्रो की नई हुकूमत के लिए तआवुन का हाथ बढ़ा दिया। कास्त्रो 1960 से पहले कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन वो कम्युनिज्म की जानिब उस वक्त मुतवज्जा हुए जब सोवियत यूनियन ने उनको सपोर्ट फ्राहम करने की हामी भरी, और फिर कास्त्रो ने क्यूबा में काम करने वाली तमाम अमरीकी कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया और इसके इवज़ इन्हें किसी किस्म का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। इन इकदाम के बाद अब अमेरिका के इतने करीब एक कम्युनिस्ट नवाज रियासत बन गई जो अमरीकी पॉलिसी और इनके सब्र का इम्तहान लेने वाली थी। क्यूबा में होने वाली जदोजहद दुनिया भर में बरपा कोल्ड वार का एक हिस्सा थी और इस बात की अकासी करती थी कि कम्युनिज्म आगे बढ़ रहा है और अब अमेरिका की दहलीज तक जा पहुंचा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिका ने मैनरो डॉक्ट्रिन का हवाला दिया। मैनरो डॉक्ट्रिन की जड़ें 1823 से जा मिलती हैं, जब अमेरिका ने ऐलान किया था कि इन्हें न सिर्फ अपने बल्कि अपने ज़ेर असर इलाकों के दफा का हक हासिल है। अमेरिका का मौक़िफ़ था कि उसे किसी भी ऐसे इकदाम के खिलाफ दफा का हक हासिल है जहां कोई भी यूरोपीय ताकत इनके मफादात को ख़तरे में डाल रही हो। मगर दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने मैनरो नज़रिए के अमरीकी दावे को मुस्तरद करते हुए इसे मुर्दा करार दे दिया। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को ख़बरदार किया कि वो मैनरो नज़रिए की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसके बायस उस पर बड़ी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। दरहकीकत अमेरिका इस नज़रिए को उन खुफिया कार्रवाइयों के जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था जो मुस्तकबिल में रोनमा होने वाले थे। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने खबरदार किया था कि अगर क्यूबा पर अमेरिका ने हमला किया तो वो क्यूबा का दफा करेंगे। सन 1959 से 1961 तक अमेरिका ने क्यूबा के साथ बगैर किसी बराह रास्त तसादुम के सर्द मोहरी पर मबनी ताल्लुकात रखे। आइजनहावर ने ताल्लुकात को मजीद मुश्किल उस वक्त बना दिया जब अमेरिका से क्यूबा की चीनी की दरामद में 95% तक कमी कर दी गई। अमेरिका ने क्यूबा पर तजारती पाबंदियां आयद कर दी, जिसके बायस क्यूबा को अपनी चीनी और तंबाकू की मार्केट से महरूम होना पड़ा। इसी तरह तेल और दीगर ज़रूरी सामान की दरामद पर भी पाबंदियां आयद हो गई। अक्टूबर 1960 में अमेरिका ने क्यूबा के माशी अमदाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी और क्यूबा के साथ अमेरिका की तमाम तजारत पर पाबंदी लगा दी, और बिलाखिर जनवरी 1961 में अमेरिका ने क्यूबा के साथ सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए। मगर इन इकदामात का अमेरिका पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि इसका मतलब था कि क्यूबा अपनी मसनूआत की फरोख्त के लिए सोवियत यूनियन की तरफ देखने लगा था। सोवियत इस पर बहुत खुश थे कि जल्द ही इन्होंने क्यूबा को
तेल और हथियारों की फराहमी शुरू कर दी है। दोस्तों अप्रैल 1961 में अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने के फौरन बाद जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा पर हमला करने और कम्युनिज्म का तख्ता उलटने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। CIA ने क्यूबा के जनूबी साहिल बे ऑफ पिग्स पर 1400 के करीब ऐसे क्यूबा के शहरियों को ले जाकर छोड़ दिया जिन्हें माजी में मुल्क बदर कर दिया गया था, और इसका मकसद क्यूबा में कम्युनिस्ट मुखालिफ बगावत को हवा देना था। मगर इन बागियों को बआसानी उस वक्त शिकस्त हो गई जब उनका मुकाबला 20,000 भारी मुसल्ला क्यूबा फौजियों से हुआ। सब पकड़े गए और मार दिए गए। सदर कैनेडी अब बेयक वक्त कमज़ोर और जारहाना नज़र आ रहे थे। बे ऑफ पिग के वाक़े के बाद क्यूबा को वाज़ह तौर पर अमेरिका की तरफ से ख़तरा महसूस हुआ। कास्त्रो सोवियत यूनियन के साथ करीबी ताल्लुकात चाहने लगे जो मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर सकता था। सोवियत लीडर निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा में अमरीकी मुदाखलत रोकने के लिए वहाँ जौहरी मिज़ाइल नस्ब करने की क्यूबा की दरख्वास्त मान लेने का फ़ैसला किया। जुलाई 1962 में ख्रुश्चेव और फिडल कास्त्रो के दरमियान एक खुफिया मुलाकात के दौरान एक मुआहदा तय पाया और इस मौसम गर्मा के आखिर में मिज़ाइल लॉन्च करने की मुतअद्दिद सहूलियात की तामीर शुरू हुई। जुलाई 1962 तक क्यूबा के पास लातिनी अमेरिका के खिते में सबसे बेहतरीन अंदाज में लैस फौज थी। ख्रुश्चेव वाज़े तौर पर नए अमरीकी सदर को आजमाने के लिए तैयार थे क्योंकि वो इन्हें ना तजर्बाकार और कमज़ोर समझते थे। क्यूबा फ्लोरिडा के साहिल से 90 मील के फासले पर था, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका बशमूल वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क जैसे इसके बहुत से बड़े शहर इन मिज़ाइलों की हद में थे। 80 मिलियन अमरीकियों की ज़िंदगी दाव पर लग गई थी। सोवियत लीडर ख्रुश्चेव जानते थे कि अमेरिका के पास दरमियाने और तवील फासले के जौहरी मिज़ाइल हैं जो कि अमेरिका ने तुर्की में मौजूद अपने अड्डों पर नस्ब कर रखे थे, और ये मिज़ाइल भी सोवियत यूनियन की दहलीज पर थे। इसके अलावा ख्रुश्चेव सोवियत यूनियन में अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करना चाहते थे और अपनी हुकूमत को दिखाना चाहते थे कि वो अमेरिका के तई नरम रवैया नहीं रखते। साथ ही साथ ख्रुश्चेव नए कम्युनिस्ट मुल्क को अमरीकी वफाक की नाक के नीचे सपोर्ट करना चाहते थे और इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि अमरीकी बे ऑफ पिग्स की तरह एक और वाकया की कोशिश ना करें और कास्त्रो का तख्ता उलटने की कोशिश ना करें। क्यूबा के ताज़ा तरीन ख़तरे के 2 दिन के अंदर सदर कैनेडी ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करने के लिए एक खसूसी मशावराती ग्रुप तश्कील दिया। इसे कौमी सलामती कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी या XCOM का नाम दिया गया। XCOM के साथ बातचीत के बाद कैनेडी को क्यूबा में सोवियत खतरे से निमटने के लिए कई ऑप्शंस दी गई कि वो क्या क्या कर सकते थे। इन ऑप्शंस में से कुछ ये थी: मिज़ाइलों को नज़रअंदाज करना, यह सियासी खुदकुशी होती और गालबन सोवियत यूनियन इसको कैनेडी की तरफ से कमज़ोरी समझते और शायद वो इससे फ़ायदा उठाते। अक़वामे मुत्तहदा को मुलव्विस करना, सोवियत यूनियन अक़वामे मुत्तहदा की किसी भी कार्रवाई को रोक सकता था इसलिए इसकी अहमियत नहीं होती। कैनेडी का ख्याल था कि अक़वामे मुत्तहदा को मुलव्विस करने से दुनिया में अमरीकी ताकत के हवाले से मजबूत पैगाम नहीं जाएगा या ये मुल्क की साख के लिए अच्छा नहीं होगा। मिज़ाइलों को हटाने के लिए सोवियत यूनियन से बात करना, वो बात करके वजाहत कर सकते थे कि उनकी मौजूदगी सोवियत अमेरिका ताल्लुकात को क्या नुकसान पहुंचा रही है। तहम USSR की जानिब से एक शायस्ता दरख्वास्त सुनने का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं था क्योंकि इन्होंने इस मामले पर अक़वामे मुत्तहदा की हंगामी मीटिंग में मिज़ाइलों के वजूद को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया था। क्यूबा की नाकाबंदी करें और मजीद सोवियत जहाज़ों को क्यूबा में दाखिल ना होने दें। इस ऑप्शन के बावजूद क्यूबा में मिज़ाइल मौजूद रहेंगे लेकिन मुज़ाकरात इसी पस मंज़र में जारी रहेंगे जबकि कैनेडी को कुछ खास करते हुए देखा जाएगा। आखिरी ऑप्शन ये थी कि फौजियों के साथ हमला करना या हवाई हमले शुरू कर देना। कुछ मशीरान ने फौरी तौर पर मजबूत कार्रवाई का मुतालबा किया, या तो हमला या हवाई हमला, लेकिन कैनेडी मुहतात थे क्योंकि इस तरह के इकदाम आसानी से जवाबी कार्रवाई और एटमी जंग की बाइस बन सकते थे। दोस्तों इन सारे ऑप्शंस में से कैनेडी ने क्यूबा की बहरी नाकाबंदी का ऑप्शन चुना। कैनेडी का हतमी फैसला क्यूबा की अमरीकी नाकाबंदी था जिसे कैनेडी ने क्रंतीना जून कहा। यह सोवियत मिज़ाइलों को क्यूबा में आने से रोक सकता था और इससे सोवियत यूनियन मुज़ाकरात करने पर भी राज़ी हो सकता था। इसी ऑप्शन पर गौर करते हुए 22 अक्टूबर को
कैनेडी ने क्यूबा के इर्द गिर्द बहरी नाकाबंदी कर दी ताकि सोवियत जहाज़ों को जोहरी मिसाइल ले जाने के शुबे में क्यूबा पहुंचने से रोका जा सके। 23 अक्टूबर को कैनेडी को ख्रुशीव की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि सोवियत जहाज़ नाकाबंदी पर नहीं रुकेंगे बल्कि ज़बरदस्ती अपने रास्ते पर सफ़र जारी रखेंगे। 24 अक्टूबर को यह हुआ कि 180 अमरीकी बहरी जहाज़ आबदोजे फौजी और फ़जाइया को मुकम्मल अलर्ट रखा गया। ख्रुशीव की सख्त बात के बावजूद नाकाबंदी के करीब आने वाले सोवियत यूनियन के 20 जहाज़ वापस पलट गए जो कि गालबन अमरीकी बहरिया के साथ बराह रास्त तसादुम से बचने के लिए था। 25 अक्टूबर को यह हुआ कि अमरीकी जासूस त्यारों ने क्यूबा पर मिज़ाइल लॉन्चिंग साइटों पर इमारत की तामीर के काम में इजाफे की इतला दी। 26 अक्टूबर को कैनेडी को ख्रुशीव की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें वादा किया गया था कि अगर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने पर राज़ी है और क्यूबा पर हमला ना करने का वादा करता है तो वो लॉन्चिंग साइट्स को हटा देगा। 27 अक्टूबर को ख्रुशीव की तरफ से एक दूसरे ख़त में कहा गया कि लॉन्चिंग साइट्स तभी हटाई जाएंगी जब अमरीका तुर्की में अपने मिज़ाइल हटाएगा। कशीदगी उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब एक U-2 त्यारा रूसी मिज़ाइल से मार गिराया गया। ताहम कैनेडी ने इस सूरत हाल में गुस्से से काम नहीं लिया और सिर्फ पहले टेलीग्राम का जवाब देने का इंतखाब किया जबकि निजी तौर पर तुर्की से मिज़ाइलों को हटाने पर गौर करने की पेशकश की। 28 अक्टूबर को कैनेडी ने सोवियत सफीर से मुलाकात की और बहरान के हल के लिए मुआहदे पर इत्तफाक किया। सदर ने इंतबाह दिया कि अगर इन्हें 29 अक्टूबर तक जवाब ना मिला तो क्यूबा पर हमले शुरू हो जाएंगे। मास्को रेडियो पर नशर होने वाले सदर कैनेडी के नाम एक अवामी पैगाम में ख्रुशीफ ने कहा कि क्यूबा में मौजूद तमाम मिज़ाइलों को हटाने और इनकी सोवियत यूनियन में वापसी पर इत्तफाक करता है। दोस्तों, दुनिया जंग के दहाने पर आ चुकी थी लेकिन इसे टाल दिया गया। क्यूबा कम्युनिस्ट और इंतहाई मुसल्ला रहा हालांकि सोवियत मिज़ाइल अक़वामे मुत्तहिदा की निगरानी में हटाए गए थे। दोनों फरीकों ने समझा कि इन्होंने फतह हासिल कर ली है। ख्रुशीव ने क्यूबा में कम्युनिस्ट हुकूमत को अमेरिका के हमले से बचाया था और तुर्की से उनके जुपिटर मिज़ाइलों को हटाने पर अमेरिका से मुआहदा किया था। कैनेडी ने अपना इंतखाबी वादा पूरा किया और सोवियत यूनियन के खिलाफ डटे रहे और जौहरी मिज़ाइलों को क्यूबा से निकाला। दोनों रहनुमा बहरान से कुछ लेकर उभरे और दोनों फरीकों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। अमेरिका ने U-2 त्यारे के नुकसान पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया और सोवियत यूनियन ने साइबेरिया में अपनी फ़जाई हदूद में U-2 परवाज पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया या ये कि अमरीकी बहरिया ने सोवियत आबदोज को सतह पर आने पर मजबूर किया। दोनों ने अपने मुखालिफ को कम से कम नुकसान के साथ पीछे हटा दिया। कैनेडी ने फतह पर फख्र नहीं किया और ख्रुशीफ ने अमन की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया अगरचे ख्रुशीफ ने तुर्की से मुतलिक खुफिया मुआहदे को जाहिर नहीं किया। दोनों ताकतों ने मुआहदों का एहतराम किया। इसके बाद कोल्ड वार में कशीदगी कम हुई और एटमी जंग के खतरे को कम करने के लिए इकदाम किए गए। मुस्तकबिल के तनाज़े की सूरत में वाशिंगटन DC और मास्को के दरमियान आसान रबते को यकीनी बनाने के लिए वाइट हाउस और क्रेमलिन के दरमियान बरह रास्त फ़ोन लिंक देते हुए एक हॉटलाइन लगाई गई। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों को एहसास हुआ कि वो एटमी जंग के दहाने पर हैं और मुजाकरात शुरू किए। ये मुजाकरात बिलाखिर 1963 के टेस्ट पाबंदी मुआहदे की तरफ ले गए जिसके नतीजे में जौहरी हथियारों यानी कि एटमी हथियारों के तजर्बात ख़त्म हुए। ताहम मगरबी ताकतें खुश नहीं थीं क्योंकि बहरान के दौरान उनके साथ कोई राबता नहीं किया गया। दरहकीकत फ्रांसीसी रहनमा डिगाल ने एहतजाजन नेटो से अलहदगी अख्तियार कर ली। सबसे अहम नतज में से एक ये था कि दुनिया को फिर कभी इस किस्म के बहरान का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि बहरान ने एक अरसे तक अमन की राह हमवार कर रखी थी। तवील अलमुद्दती नतज में इस बहरान के बायस दोनों इतराफ में 1960 की दहाई के आवाखिर में स्ट्रेटेजिक असलहे की हदबंदी के मुजाकरात शुरू करने की ख्वाहिश पैदा हुई और साल्ट वन में मजीद बैनल बरियाजमी बैलिस्टिक मिज़ाइल ना बनाने का मुआहदा तय पाया। तो दोस्तों, ये था 13 दिन का वो क्यूबा का मिज़ाइल बहरान जिसने पूरी दुनिया को एटमी जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया था। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।